Hello my dear friends, welcome to another video on my channel Next Studies. Friends, हम लोगों ने दो वीडियो पे पढ़ा था केमिकल रिएक्शन इक्वेशन के बारे में, उसी को मैं आगे पढ़ाऊंगा आज. और मैं देखता केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस इसमें था, तो हम वो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे थे फ्रेंड्स. तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में हमने पढ़ा था ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, यानी रिडॉक्स रिएक्शन तक. तो रिडॉक्स रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ा था, मैं एक बार रिपीट करता हूँ रिडॉक्स है क्या. तो रिडॉक्स रिएक्शन था कि जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन. ऑक्सीडेशन क्या था, ऑक्सीडेशन ये था आपका कि द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. और रिडक्शन क्या था, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, जस्ट उसका अपोजिट. और ये दोनों रिएक्शन जहां साथ साथ होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन. अब मैं कुछ और टाइप के रिएक्शन के बारे में आपको जिक्र करूंगा जिससे मैंने नहीं किया था. तो जैसे हम लोग सबसे फर्स्ट पढ़ा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात करेंगे. जैसे हम एग्जाम्पल देते हैं C+O2, ये बन जाता था CO2, ये बन जाता था, दो मिलकर एक बन जाते थे, इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन. When two reactants combine together to form a single product is known as combination reaction. ये combination reaction जब carbon को हम लोग oxygen से reaction कराते हैं, यानी इसमें जब burning करवाते हैं, oxygen से reaction का मतलब होता है combustion, जलना किसी चीज़ का. और जब ये carbon oxygen के presence में जलता है या oxygen से reaction करता है तो carbon dioxide के साथ साथ ये एक heat देता है. क्या देता है, heat, इसको हम लोग बोल सकते हैं energy बोल सकते हैं. फिर एक और एग्जांपल आपने को हमने बताया था कि जो मैग्नीशियम था वो ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन करता है तो क्या होता है, तो ये डाइजलिंग फ्लेम के साथ जलता था. आपको बताया गया था कि मैग्नीशियम को पहले साफ करके हम जलाते थे डाइजलिंग फ्लेम. तो यहाँ पर MgO के साथ ये क्या देगा, लाइट और प्लस हीट दे देगा. तो यहाँ पर दो एनर्जी निकल रहे हैं, लाइट पे टाइप पे एनर्जी, हीट पे एनर्जी है. तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन जनरली हमारे क्या होते हैं कि इसमें एनर्जी रिलीज होता है. क्या होता है, रिलीज. तो जिस रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होता है उस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन. क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन. अब हम बात करेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन का कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है क्या. तो हम बोल देंगे कि केमिकल रिएक्शन इन विच द हीट इज गिवन आउट या हीट इज एब्सॉर्ब्ड इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन. और एग्जांपल अगर पुनः याद है तो क्या कर दें, किसी भी मेटल या नॉनमेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराकर आप उसको दे सकते हैं. इसको मैं बैलेंस कर देता हूं, मैंने कहा था कि जब भी हम लोग इक्वेशन लिखेंगे क्या कर देंगे, बैलेंस कर देंगे. ये मेरा बैलेंस है. चलिए, तो ये हुआ क्या, ये हो गया हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन. एक और हमने बात किया था आपको डीकंपोजिशन रिएक्शन. तो डीकंपोजिशन रिएक्शन में हमने बताया था इसमें हमने बताया था कि एक सिंगल सब्सटेंस अगर टूट जाता है दो या दो से अधिक प्रोडक्ट्स में उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन. तो ये जो सिंगल सब्सटेंस था ऐसे नहीं टूटता है, उसका डिफिनेशन हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं कि व्हेन अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन इंटू टू और मोर सिमिलर पार्ट बाई द एक्शन ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी. जब कोई रिएक्टेंट टूट जाता है हीट, लाइट या इलेक्ट्रिसिटी जब उसको दिया जाता है तब, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, डिकम्पोजिशन रिएक्शन. तो आपको हम बताएं, हमने आपको दिया था एग्जांपल AgBr, ये क्या बन गया था, इसको दिया था हमने सनलाइट. ये लाइट सेंसिटिव होता है, सनलाइट. और जब इसको लाइट में रखा जाता है तो ये Ag+Br2 में टूट जाता है. इसको हम लोग बैलेंस कर देंगे, हो गया बैलेंस. एक और एग्जाम्पल दिया था वो हमने CaCO3, और इसको जब हीट दिया जाता है तो ये हीट देने के बाद ये CaO मतलब कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस CO2 में टूट जाता है. इसको भी अगर बैलेंस करें हम तो देखेंगे तो बैलेंस लग रहा है, जैसे 2, 1, 3 कैल्शियम 1, कार्बन 1, 1 बैलेंस है. ठीक है, एक और हम आपको एग्जांपल देते हैं जो हमने नहीं दिया था, वो था अगर H2O को हम लोग इलेक्ट्रिसिटी दे देंगे. अगर H2O को इलेक्ट्रिसिटी दिया जाता है तो ये H2+O2 में टूट जाता है. इसको बैलेंस कर देंगे तो यहाँ पर 2 लगा देंगे, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन, यहाँ पे बैलेंस है.
अब ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन था, मैंने आपको बताया था पिछले जो वीडियो बनाए थे हमने, दो वीडियो उसमें बताया था। और हाँ, अगर आपने वो दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा वो दोनों वीडियो का, क्योंकि आप उसको जब देखेंगे तभी आगे क्लासेस समझ में आएंगे आपको, और वो आपको देखना बहुत ज़रूरी है, तो सबसे पहले उसको देख लेंगे आप। तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन तीन टाइप्स के होते हैं, आपको तीन एग्जाम्पल दिया हमने, ये तीन टाइप्स के डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं। अब जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हीट से टूटता है, हीट से, क्या से, हीट से, उसको हम लोग बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या बोलते हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन, या इसको थर्मोलिसिस भी बोला जाता है। जो रिएक्शन में डिकम्पोजिशन लाइट से होता है उसको हम लोग फोटो डिकम्पोजिशन बोलते हैं, फोटो डिकम्पोजिशन बोलते हैं, या इसी को हम लोग फोटोलिसिस भी बोलते हैं। और जो इलेक्ट्रिसिटी देने के बाद टूट जाता है इसको हम लोग इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन या सिंपली इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। ये आपको नेक्स्ट चैप्टर एसिड बेस सॉल्ट में पढ़ाया जाएगा और मेटल नॉन मेटल में पढ़ाया जाएगा। तो ये थे हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब देख रहे हैं हम कि यहाँ पे तीनों केस में सनलाइट, लाइट एक टाइप का ही एनर्जी है, हीट एक टाइप का एनर्जी है, और इलेक्ट्रिसिटी भी एक टाइप का एनर्जी है। तो ये जो डिकम्पोजिशन होता है किसी सब्सटेंस का विदाउट एनर्जी नहीं होता है, ये कुछ एनर्जी लेता है, अपने आप खुद ब खुद नहीं टूट जाता है। इसको टूटने के लिए क्या होता है कि कुछ एनर्जी रिक्वायर्ड होते हैं, मतलब ये एनर्जी क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, क्या करता है, एब्जॉर्ब। तो एब्जॉर्ब करने के बाद ये सब्सटेंस होता है वो ब्रेक डाउन होता है, इसका मतलब इसमें जो एनर्जी है वो क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है, एनर्जी को लिया जा रहा है। तो जिस रिएक्शन में एनर्जी लिया जाता है या एनर्जी एब्जॉर्ब किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं? इंडोथर्मिक रिएक्शन। अब इंडोथर्मिक रिएक्शन का डेफिनेशन आप खुद लिख सकते हैं, क्या होगा, अ केमिकल रिएक्शन इन विच द हीट इज एब्जॉर्ब इज नोन एज इंडोथर्मिक रिएक्शन। और इंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल आप देख सकते हैं, ये सारे इंडोथर्मिक रिएक्शन से। एक बात और, एक क्वेश्चन आता है कि व्हाई रिस्पायरेशन इज कंसीडर्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो मैं बात कर रहा था कि व्हाई रिस्पायरेशन इज कंसीडर्ड एज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो रिस्पायरेशन में एक्चुअली होता क्या है, रिस्पायरेशन में क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो टूटते हैं, और टूटने के बाद वो न्यूट्रिएंट्स जब टूटते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, टूटने के बाद वो एनर्जी देते हैं, जिस एनर्जी को हम लोग वेरियस टाइप के लाइफ प्रोसेस को परफॉर्म करने में करते हैं, खेलने कूदने में करते हैं। तो मैं बात करूं कि यहाँ पे क्या होता है कि रिस्पायरेशन मेनली, तो रिस्पायरेशन जो होता है वो एक एक्सोथर्मिक है। क्यों है? तो रिस्पायरेशन प्रोसेस में होता है क्या एक्चुअली, देखिएगा, तो इसमें जो ग्लूकोज है C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। ये ग्लूकोज जो होता है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, और ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के बाद ये दे देता है हमको कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और प्लस एनर्जी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इस रिएक्शन में एनर्जी जो है वो निकल रहा है, मतलब गिवन आउट होता है। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन किसको बोलते हैं, उसी को तो बोलते थे जहाँ पे एनर्जी क्या हो, रिलीज हो। तो रिस्पायरेशन में भी एनर्जी रिलीज होता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्या, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वंस अगेन इसको बोल देता हूँ मैं कि क्या है, तो बोलता है क्या, रिस्पायरेशन इज कंसिडर्ड एज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन इट इज बिकॉज इन रिस्पायरेशन द ग्लूकोज इज रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर अलॉन्ग विद एनर्जी, and the reaction in which energy is given out is known as exothermic reaction. So the respiration is considered as exothermic reaction. Clear है? चलिए मैं आगे बात करता हूँ। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन से था, वो क्या था कि दो या तीन दिन के बाद जो वाल होते हैं व्हाइट वॉशिंग के बाद व्हाइट क्यों हो जाते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि वाई द कलर ऑफ वॉल आफ्टर टू और थ्री डेज ऑफ व्हाइट वॉशिंग बिकम मिल्की व्हाइट। तो इसका आंसर ये है कि क्या होता है कि जो हम लोग व्हाइट वॉशिंग करते हैं उसमें हम लोग यूज क्या करते हैं, तो सबसे पहले कैल्शियम ऑक्साइड होता है, इसको हम लोग लाकर पानी में घर में रख देते हैं, पानी में डालने के बाद ये जो होता है वो इसमें से बुलबुले निकलने लगते हैं और हीट निकलने लगता है, काफ़ी गर्म हो जाता है, ठीक है। तो ये बना देता है हमको क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये एक टाइप का क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। और
ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसी को हम लोग यूज करते हैं किस चीज में, व्हाइट वॉशिंग में। तो जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग व्हाइट वॉशिंग में यूज करते हैं, ये जो कंपाउंड है हम लोग इसको दीवार पे क्या करते हैं, व्हाइट वॉशिंग करते हैं। तो ये जो कंपाउंड है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये रिएक्ट कर जाता है जो एयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं उससे, और इससे रिएक्ट करने के बाद ये दे देता है क्या हमको, कैल्शियम कार्बोनेट और प्लस H2O। ये जो वाटर है वो इवोपरेट हो जाता है और ये कैल्शियम कार्बोनेट, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, मार्बल। ये आपका मार्बल है, इसका कलर कैसा होता है, व्हाइट होता है। तो इसी के वजह से जो हमारा वॉल है वो कैसा दिखने लगता है, व्हाइट दिखने लगता है। अब मैं बात करूँ इसको फिर से एक बार समराइज करके, वाई द कलर ऑफ वाई द कलर ऑफ वॉल बिकम मिल्की व्हाइट आफ्टर टू और थ्री डेज ऑफ व्हाइट वॉशिंग। तो हम बोल सकते हैं कि द कलर ऑफ व्हाइट वॉल, सॉरी, द कलर ऑफ वॉल बिकम मिल्की व्हाइट आफ्टर टू और थ्री डेज ऑफ व्हाइट वॉशिंग, इट इज बिकॉज द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वी यूज इन द व्हाइट वॉशिंग प्रोसेस इज रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर, एंड कैल्शियम कार्बोनेट इज व्हाइट इन कलर, सो द कलर ऑफ वॉल बिकम मिल्की व्हाइट। क्लियर है, चलिए आगे बात करो। ये पहला क्वेश्चन रिस्पिरेशन का था हमारा, दूसरा व्हाइट वॉशिंग से था रिलेटेड, तीसरा क्वेश्चन मैं बात करूं वो तीसरा ये क्वेश्चन होता है, एक और क्वेश्चन आता है कि व्हाई द कलर ऑफ सिल्वर क्लोराइड टर्न ग्रे व्हेन इट इज पुट इन द सनलाइट। बोलता है कि सिल्वर क्लोराइड का कलर ग्रे क्यों हो जाता है जब इसको हम लोग सनलाइट में रखते हैं। तो सनलाइट में रखने के बाद सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला होता है AgCl, और इसमें जो सनलाइट दे रहे हैं, सनलाइट मतलब क्या दे रहे हैं, इसको हम एनर्जी दे रहे हैं। और आपको बताया था हमको, हमने बताया था हमने कि एनर्जी जहां भी दिया जाता है वो कंपाउंड टूटता है, तो टूट जाएगा Ag+Cl2। इसको आप बैलेंस कर लेंगे, ठीक है, AgCl2। तो ये जो कलर होता है सिल्वर वो अलग हो गया, सेपरेट हो गया, और सिल्वर कलर का हम लोग जानते हैं कि कैसा होता है, ग्रे होता है, जिसके वजह से ये जो है वो ग्रे दिखने लगता है और ये जो गैस है वो वहां से क्या हो जाता है, हाँ, एटमॉस्फेयर में चल जाता है, ठीक है, इसके वजह से ये ग्रे दिखता है। एक बात और बता दूं, ये जो रिएक्शन है सिल्वर कलर, इसको यूज किया जाता है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, याद रखेंगे। इसको हम लोग ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में भी यूज करते हैं। आपसे पूछा जाता है कि विच रिएक्शन इज यूज इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, इसके टाइप से पूछते हैं और रिएक्शन ही पूछा जाता है। टाइप में आप बोल सकते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और रिएक्शन बोले तो इस रिएक्शन को आप दे सकते हैं। क्लियर है। अब हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, दो टॉपिक है, और वो है, एक फर्स्ट है रेंसिडिटी, सॉरी फर्स्ट है कोरोजन और दूसरा है रेंसिडिटी। हम लोग कोरोजन को पहले देखेंगे और रेंसिडिटी को बाद में। तो सबसे पहले कोरोजन है क्या, बात करते हैं। तो कोरोजन एक टाइप का प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि कोई मेटल एयर से रिएक्ट करता है मॉइस्चर के प्रेजेंस में, क्या होता है। तो कोरोजन का मैं बात करूं, इसमें होता है ये कोरोजन। कोरोजन में क्या होता है कि मेटल जो होता है वो रिएक्ट करता है, किससे करता है, एयर से, और कुछ कंपाउंड बना देता है। लेकिन यहाँ प्रेजेंस क्या होता है, मॉइस्चर, नमी, मॉइस्चर के प्रेजेंस में रिएक्ट करता है तो कुछ कंपाउंड फॉर्मेशन कर देता है, और ये मेटल को हम लोग बोलते हैं कि मेटल बिकम कोरोडेड, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज कोरोजन। फिर से एक बार समराइज करता हूँ मैं इस कोरोजन को। कोरोजन क्या है, कोरोजन को हम लोग बोल सकते हैं, व्हेन अ मेटल रिएक्ट विथ एयर इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर द मेटल बिकम कोरोडेड एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज कोरोजन। अब ये कोरोजन जो है वो अच्छा नहीं है, इसके कुछ एग्जाम्पल पहले देख लेते हैं हम लोग। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन होता है, लोहे में जंग लग जाना, ये कोरोजन का एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल है। और लोहे में नहीं, और भी मेटल्स में कोरोजन होता है। जैसे मैं बात करूं सिल्वर होता है, सिल्वर में होता है, कॉपर में होता है। कॉपर के बर्तन में आपने देखा होगा कि क्या होता है, हल्का ग्रीनिश, ग्रीनिश एक कोटिंग बन जाता है।
उसको वो भी क्या है, एक टाइप का क्रोजन है। आप सिल्वर के ज्वेलरी में आपने देखा होगा जो हमारे माताएं बहनें पहनती है, उसमें एक ब्लैक कलर का उसके ऊपर लेयर चढ़ जाता है, उस लेयर को क्या बोलते हैं हम लोग, वो भी क्रोजन ही का है टाइप है, क्रोजन ही का एग्जाम्पल है। अब ये जो है क्रोजन, वो हर साल करोड़ों रुपए का लोहा जो है खराब कर देता है। तो इसको बचाव के लिए हम लोग तीन चीज देख सकते हैं। पहला होता है पेंटिंग, जिसको हम लोग और क्रोजन के बारे में हम लोग मेटल एंड नॉन मेटल में भी पढ़ेंगे। दूसरा है ऑयलिंग या ग्रीसिंग, और तीसरा हमारा इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है कि एक किसी भी लेस रिएक्टिव मेटल का इलेक्ट्रोप्लेटिंग कोटिंग हम लोग कर देते हैं किसी मोर रिएक्टिव मेटल पे, तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। जैसे एक साइकिल का हैंडल में आपने देखा होगा जो चमकता शाइनिंग करता है, वो एक्चुअली में आयरन होता है, लेकिन उसके ऊपर निकल का कोटिंग किया होता है ताकि उसका लाइट जो क्रोजन से बच सके और अट्रैक्टिव भी दिख सके। ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग आपको गोल्ड पे भी होता है, सॉरी गोल्ड नहीं सिल्वर पे होता है। आप बोलते हैं कि सोने का पानी चढ़ाया हुआ है, वो इसी प्रोसेस से किया। एक और इसमें प्रेस आता है गैल्वनाइजेशन। गैल्वनाइजेशन के बारे में लोग डिटेल चैप्टर 3 में करेंगे जो मेटल और मेटल है। गैल्वनाइजेशन में क्या होता है कि आयरन के ऊपर जिंक का कोटिंग हम लोग कर देते हैं। बोलता है कि व्हेन द जिंक इज कोटेड ऑन द आयरन, दिस प्रोसेस इज नोन एज गैल्वनाइजेशन। तो ये प्रोसेस यूज करके हम लोग क्रोजन से मेटल को बचा सकते हैं। क्रोजन सिर्फ आयरन में नहीं होता है। एग्जाम्पल लिखना भूल गए हम, एग्जाम्पल इसमें रस्टिंग ऑफ आयरन लिख सकते हैं। रस्टिंग सिर्फ आयरन में होता है, कॉपर में भी ग्रीन कलर का कोटिंग होता है उसको, वो रस्टी है एक टाइप का, वो भी एक क्रोजन का एग्जाम्पल है। सिल्वर में ब्लैक टाइप का कोटिंग होता है, वो भी आपका क्रोजन का एग्जाम्पल है। तो ये है हमारा क्रोजन। अब आगे मैं बढ़ता हूँ और लास्ट टॉपिक इसका कंक्लूड करता हूँ। लास्ट टॉपिक हमारे इस चैप्टर का रैंसिडिटी। रैंसिडिटी क्या होता है कि व्हेन द फूड आइटम विच कंटेन ऑयल एंड फैट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एटमोस्फेयर एंड बिकम रैंसिड, एंड दिस प्रोसेस नोन एज रैंसिडिटी। दैट्स व्हाई द टेस्ट ऑफ फूड एंड द स्मेल ऑफ फूड बिकम चेंज्ड। बोलता है क्या, कोई भी फूड जिसमें ऑयल और फैट होता है वो एयर से रिएक्ट करके क्या करता है कि उसका रिएक्ट करने के बाद उसका टेस्ट और स्मेल दोनों चेंज हो जाता है। तो उस केस में हम लोग फूड को बोलते हैं कि रैंसिड हो गया, मतलब खराब हो गया, रैंसिड हो गया, और इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग रैंसिडिटी। तो इसमें भी ऑक्सीजन रिएक्शन होता है, क्रोजन में भी ऑक्सीजन रिएक्शन होता है। इसमें क्या होना चाहिए, फैट होना चाहिए या ऑयल होना चाहिए। अब इसका हम लोग देख सकते हैं कि इसको प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, इसको बचा कर सकते हैं हम लोग। प्रिवेंशन इससे बचाव अगर हम बात करें, सबसे पहले हम कर सकते हैं नाइट्रोजन गैस का यूज। नाइट्रोजन गैस का यूज आजकल क्या बहुत टाइम से होते रह रहा है, और जो पैकेट आइटम्स में जो भी पैकेट में मिलता है हमको चीज, उसमें क्या होता है नाइट्रोजन गैस भरा हुआ होता है। नाइट्रोजन गैस भर के हम लोग किसी फूड आइटम को लंबे समय तक फ्रेश रख सकते हैं, खाने लायक रख सकते हैं। और दूसरा आपका हो जाएगा एयर टाइट कंटेनर, मतलब ऐसा कंटेनर जिसमें एयर ना जाए वैसा हम लोग यूज कर सकते हैं। इसको भी कुछ हद तक रैंसिड होने से हम लोग फूड को बचा सकते हैं। तो ये था हमारा आज का चैप्टर, सॉरी आज का वीडियो। और ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके अपने फ्रेंड के बीच में शेयर करेंगे, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। इसलिए मैं भी तो बांट रहा हूँ, आप भी बांटिए। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो। हैव अ गुड डे।